नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गेट 2012 में जो क्वांटम मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन है, स्क्वायर वेल पोटेंशियल पे क्वेश्चन पूछा गया था, उसको सोल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो है गेट 2012 का, और ये टॉपिक कौन सा है, स्क्वायर वेल पोटेंशियल। ये तो देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है ए पार्टिकल ऑफ मास एम, हम एक एम मास का कोई पार्टिकल दिया हुआ है, पार्टिकल का मास है एम। ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज कन्फाइंड इन ए टू डायमेंशनल स्क्वायर वेल पोटेंशियल। हमें एक कोई पार्टिकल है एम मास का जो टू डायमेंशनल 2D स्क्वायर वेल पोटेंशियल में, देखिए क्या आगे, पोटेंशियल ऑफ डायमेंशन है, जो पोटेंशियल है वो 2D बॉक्स स्क्वायर पोटेंशियल वेल में, जो हमारे बॉक्स है उसमें, और जो हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल एक्स और वाई का फंक्शन है, वो दिया हुआ है हमें 0.4 -A2x ए, एंड यही है वाई के लिए -A y, ये कोई हमें पोटेंशियल दिया हुआ, और अदरवाइज इनफाइनाइट। एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की आपको एनर्जी बतानी है। तो देखिए जी, इसका पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए। हमें पोटेंशियल दिया हुआ है 2D में, यानी कि जो हमारा बॉक्स है वो टू डायमेंशनल है, ये हमें क्वेश्चन में मेंशन था। देखिए जो हमारी एनर्जी होती है 4 1D एनर्जी, एनर्जी 4 1D स्क्वायर पोटेंशियल वेल या स्क्वायर वेल पोटेंशियल की जो एनर्जी होती है वो होती है पाई स्क्वायर एस्केट स्क्वायर एन स्क्वायर 2ma2। यहाँ पर ए है विड्थ ऑफ द बॉक्स, विड्थ ऑफ द बॉक्स, एम मास, यहाँ पर ये एन है, ये बताता है स्टेट को कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है या जो पार्टिकल है वो किस स्टेट में है। यह है 1D के लिए एनर्जी, हम लिखते हैं जब एनर्जी 2D के लिए, तो एनर्जी होती है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2 ma2। लेंथ एक्स डायरेक्शन में कितनी लेंथ है, ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर, मान लीजिए हमें लेंथ यदि इक्वल नहीं है तो यहाँ पर बी स्क्वायर, ये होगी 2D के लिए। तो एनर्जी की बात करें ऐसे 3D के लिए पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2 ma2 प्लस एन वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, जब हमारा जो बॉक्स की लेंथ है वो सेम नहीं है, यानी कि तीनों डायरेक्शन में अलग अलग लेंथ है, एन जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हमारी एनर्जी है 4 3D के लिए। ये तो है एनर्जी स्क्वायर वेल पोटेंशियल के लिए, ये पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर एन स्क्वायर 2ma2, जहाँ पर ए है विड्थ ऑफ द बॉक्स, ये एनर्जी आ गई हमारे पास जब कोई पार्टिकल हमारा स्क्वायर वेल पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा हो। वही बात करें हमारी जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसकी जो एनर्जी होती है वो होती है एन प्लस ए बटा 2 ms ω, ये होती है 1D के लिए। आपको याद रखना है कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी होती है वो इतनी होती है, और जो हमारा स्क्वायर वेल पोटेंशियल है उसकी एनर्जी हमने जो पहले ड्राइव की लिखी थी वो है। अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको स्क्वायर वेल पोटेंशियल है उसकी आपको एनर्जी बतानी है, वो भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। उससे पहले आपके ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालनी होगी कितनी आ रही, तो देखिए रखते हैं जो हमारी एनर्जी है वो 2D के लिए लिखते हैं हम पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2 ma2। यहाँ पर जो हमारी बॉक्स लेंथ ऑफ द बॉक्स -A2a, यानी कि ये -A2a, लेंथ ऑफ द बॉक्स कितनी हुई 2a, सही है -A2a, तो लेंथ ऑफ द बॉक्स 2a,
इसी तरह माइन ये है एक्स में और इसी तरह होगी हमारी वाई में, तो वाई में भी होगी 2a। अब देखिए एन एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर, लेंथ ऑफ द बॉक्स वाई डायरेक्शन में ए स्क्वायर, नहीं यहाँ पर 2a होगा ना, 2a स्क्वायर क्योंकि लेंथ ऑफ द बॉक्स माइनस ए 2 है, इसका मतलब 2a का, 2a का होल स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2, यहाँ से 4 और ए स्क्वायर को माना जाएगा, तो एम ये हो जाएगा 8 ए स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई का स्क्वायर। अब देखिए हमें एन एक्स और एन वाई की ऐसी वैल्यू चुननी है ताकि जो हमारी एनर्जी है वो हमें फाइंड कर सके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। अब देखिए जो हमारा स्क्वायर वेल पोटेंशियल होता है, स्क्वायर वेल पोटेंशियल, उसमें जो एन की वैल्यू होती है वो होती है 0 स्टार्ट 1 से 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और जो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसमें एन की वैल्यू होती है 0 से स्टार्ट 1, 2 एंड सो ऑन। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारा स्क्वायर वेल पोटेंशियल या कुछ और है उसमें एनर्जी है जो एन की वैल्यू होती है वो होती है 1 से स्टार्ट 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और जो हमारा यदि केस हार्मोनिक ऑसिलेटर का हो तो हमारी एनर्जी जो स्टार्ट जो एन की वैल्यू होती है वो स्टार्ट होती है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो हमारा केस है वो स्क्वायर वेल पोटेंशियल का, तो जहाँ वहाँ पर एन की वैल्यू होगी 1, 2 एंड सो ऑन। तो देखिए हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन लिखते हैं, आप कॉम्बिनेशन एन एक्स और इधर एन वाई, ताकि एनर्जी हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी फाइंड कर सकें। तो एन एक्स और एन वाई, यहाँ पर एन शुरू होता 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी कि हमें मिनिमम एन की वन वैल्यू तो वन तो रखना ही होगा, तो ये होगा जो हमारा ग्राउंड स्टेट को क्रॉस पॉइंट करेगा। एन की जगह वन रखिए और एन एक्स की जगह वन और वन, तो ये कितना होगा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एट एम ए स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन प्लस वन, तो ये कितना आएगा यहाँ से हो गया, तो ये आएगा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 4 एम ए स्क्वायर। एक तो एनर्जी आई, उसके बाद एन की वैल्यू रखिए 1, एन वाई की एन एक्स की वैल्यू रखिए 1, 2, यानी कि एनर्जी हमें इंक्रीज ऑर्डर में रखनी है। यहाँ से कितनी आ रही थी 2, यहाँ से 3, तो आ रखिए अब एन एन एक्स की जगह 1, एन वाई की जगह 2, तो ये आएगा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एट एम ए स्क्वायर, एन एक्स की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो आएगा 5 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एट एम ए स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ से हम ये भी तो कर सकते हैं कि यदि हम एन एक्स की जगह 2 रखें, एन वाई की जगह 1 रखें, तो ये कितना आएगा 4 + 1 = 5, यानी कि ये भी इतना ही आएगा, ये एनर्जी है। हम चेक कर रहे हैं कि जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसकी एनर्जी क्या होगी। तो आप रखिए हम जब 3 रखेंगे या हम 2 रखेंगे, देखिए 2 में कितना आता है, 2 में रखेंगे तो 4 + 4 = 8, यानी कि एनर्जी आएगी पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 4 + 4 = 8, तो 8 से 8 कैंसिल, एनर्जी इतनी आ रही है कॉम्बिनेशन। अब देखिए तो ऑप्शन है, ऑप्शन में देखिए कितनी एनर्जी है, ये हमारा कॉम्बिनेशन था कि हम एन एक्स और एन आई की वैल्यू क्या पुट करें। तो देखिए ऑप्शन ए है हमारे पास पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर, ऑप्शन बी है 2 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर, ऑप्शन सी है हमारे पास 5 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एम एट एम ए स्क्वायर, ऑप्शन डी है हमारे पास 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर। तो हमने हमें फर्स्ट यानी कि ये आ गई हमारे पास, अब हमने एन एक्स और एन वाई की वैल्यू कितनी पुट कर ली, 1, 2, 2, 1 कर ली। अब 2, 2 रखिए, 2, 2 रखेंगे तो ये आएगी पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर, इतनी आएगी, और हम रखेंगे 1, 3 तो ये कितनी आएगी 10 10 / 8, इतनी आएगी। उसके बाद हम रखेंगे 3, 1 तो भी कितनी आएगी 10 / 8 पाई स्क्वायर, वो तो हमारे पास टर्म है। अब देखिए ये एनर्जी आ रही है 0 यानी कि 0.25 के समथिंग आ रही है,
ये उससे थोड़ी ज़्यादा आ रही है। यहाँ पर जब हम कॉम्बिनेशन लेते हैं टू टू का, तब आ रही है एनर्जी वन, यानी कि वो इंक्रीज़ हो रही है एनर्जी। यहाँ पर 0.25 थी, उसके बाद यहाँ कुछ और इंक्रीज होगी। उसके बाद हम जब टू टू कॉम्बिनेशन लेते हैं तो एनर्जी वन आ रही है, यानी कि इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद हम 3-1 का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो 1 पॉइंट समथिंग। इसी तरह अब देखिए, यानी कि ये हो गई हमारे पास। अब इस तरह हम कॉम्बिनेशन लेते जाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से हमने और कोई कॉम्बिनेशन लिया और एनर्जी आ गई हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग, यानी कि वो 1 से कम आ गई। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि अब कॉम्बिनेशन बढ़ता जाएगा, यानी कि वैल्यू NX और NY की दोनों जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। तो हमारी ये होगी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, जो ये है हमारे पास, ये है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, और ये हो गई हमारे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी। ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी। आप इस तरह अलग अलग कॉम्बिनेशन लेके चेक कर सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा सी। और यदि हमें कहता कि आपको ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बतानी है, तो हमारे पास ये है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। तो होप करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।